press the bell icon for notification. नमस्कार साथियों, मैं सुमित यादव आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की मिस्ट्री में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही छुआछूत के दंश का सामना करना पड़ता है, और इन सब के बावजूद भी वे अपना पढ़ाई के प्रति जुनून बरकरार रखते हैं और बड़ौदा के महाराजा से स्कॉलरशिप की सहायता लेकर वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाते हैं। विदेश से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो भारत आते हैं तो स्कॉलरशिप की एवज में वो बड़ौदा के महाराजा के यहाँ नौकरी करने का अनुबंध करते हैं। पर यहाँ भी अंबेडकर के माथे से अछूत होने के कलंक नहीं मिटा। ब्राह्मण क्लर्क और दूसरे अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के मालिक को उनकी जाति का पता लगने पर उन्हें मकान से निकाल दिया गया। आखिरकार मजबूर होकर 17 नवंबर 1917 को अंबेडकर को बड़ौदा राज्य छोड़ने पड़ा। तो साथियों, आगे की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीने के पानी के अधिकार के लिए आंदोलन छेड़ा और लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया। युवा भीमराव अंबेडकर ने शुरू में ही यह जता दिया था कि वे अपने समुदाय के नेता होंगे। समाज सेवा की दिशा में अग्रसर होने के लिए उनके पिता ने भी उन्हें काफी प्रेरित किया, और बड़ौदा के महाराज से बातचीत के दौरान युवा भीम ने कभी स्वयं भी यह इच्छा व्यक्त की थी कि वे समाज सेवा एवं लेखन कार्य को जारी रखते हुए राज्य की नौकरी करना चाहेंगे। तो यह तय था कि अछूत समुदाय का अति उच्च शिक्षा प्राप्त यह युवक समाज को नेतृत्व प्रदान करेगा, और इसी का परिणाम था कि लंदन से भारत लौटने के बाद उन्होंने अपना ध्यान राजनीति पर केंद्रित किया। 19वीं सदी तक पूरे भारत में दलित आंदोलन का विस्तार हो चुका था। शिक्षा के अवसरों, मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग तथा सड़कों एवं सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग के लिए दलितों का संघर्ष जारी था। इसी बीच अछूतों का पहला बड़ा जनसंघर्ष शुरू हो रहा था, और संघर्ष का केंद्र पानी के पीने का अधिकार प्राप्त करना था। अछूतों को यह अधिकार इसलिए प्राप्त नहीं था क्योंकि मान्यता थी कि वे जल स्थल को प्रदूषित करते हैं। तो कोंकण के छोटे शहर महाद में इसकी शुरुआत होती है, और वहां नगर निगम एक संकल्प पारित कर पानी के टैंकों को अछूतों के लिए खोलने की घोषणा करता है। ₹19-20 मार्च 1927 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने महाद में कोलाबा जिला बहिष्कृत सम्मेलन का आयोजन किया, और इस सम्मेलन में प्रस्ताव रखते हुए कहा गया कि सब लोग पानी के टैंक की ओर चलें और पानी पिएं। और फिर 1500 उत्साही लोगों का सैलाब एकाएक टैंक की ओर बढ़ चला और पानी पीने लगा। शहर में खबर फैलते ही अन्य हिंदू जातियों के क्रुद्ध लोग इकट्ठा होने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये लोग अब मंदिरों पर धावा ना बोल दें, और इसी के चलते उन लोगों ने अछूतों की पिटाई शुरू कर दी। और फिर बाद में ब्राह्मणों ने टैंकों के शुद्धिकरण की रस्म अदा की। इस घटना तथा इसके बाद होने वाले दंगों तथा पुलिस कार्रवाई की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हुई। महाद अब अभियान का केंद्र बन चुका था, और वहां की घटना ने पूरे राज्य में दलित समुदाय के लोगों को जागरूक कर दिया था, और इसका प्रचार पूरे देश में होने लगा। एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उस समय के उभरते उग्र युवा नेता दिनकर राव जावलकर तथा केशव राव जेदे ने यह मांग रख दी कि आगामी सत्याग्रह में किसी भी ब्राह्मण को भाग लेने की अनुमति न दी जाए। इस पर अंबेडकर ने अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि उनका आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ न होकर ब्राह्मणवादी धर्म के खिलाफ है, और इसमें केवल वही ब्राह्मण दोषी हैं जो इसमें शामिल हैं। 23 दिसंबर 1927 आते आते महाद टैंक घटना के बारे में लोगों में अभूतपूर्व रुचि पैदा हो चुकी थी, और इस दिन 10 से 15 हजार की तादाद में दलित समुदाय के लोग एक ऐसी जगह इकट्ठे हो गए जिसे गांधी की तस्वीरों से सजाया गया था। और उसी समय जिला मजिस्ट्रेट ने पानी के टैंक के उपयोग पर रोक लगा दी।
अंबेडकर ने इस आज्ञा का पालन करने का निर्णय तो कर लिया, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा सांकेतिक विरोध दर्ज करने का निर्णय लिया, और यह निर्णय था मनुस्मृति को जलाने का। यह पुस्तक ब्राह्मणवादी हिंदुवाद का पारंपरिक लेकिन स्थापित विधान रही है। मनुस्मृति को जलाने संबंधी संकल्प तैयार करने में सभी जाति के लोग शामिल थे, और इसे ब्राह्मण सहस्रबुद्धे द्वारा पेश किया गया था। सम्मेलन के पहले दिन रात के समय मनुस्मृति का ध्यान किया गया, और सम्मेलन के तीसरे दिन एक उग्र शोभा यात्रा निकाली गई और गांधी, अगरकर, शाहू महाराज के नाम के नारे लगाए गए। उसी दिन अंबेडकर ने महिला सदस्यों के साथ अलग से बैठक की, जिसमें काफी अधिक संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि नीची जाति की महिलाओं को चांदी के जेवरात पहनना बंद करके अपना पहनावा पोशाक ठीक उसी तरह रखना चाहिए जैसे कि ऊंची जाति की महिलाएं रखती हैं, ताकि नीची जाति के पहनावे की कोई अलग पहचान ना रहे। उन्होंने अपनी बात की समाप्ति यह कहते हुए कि महिलाओं को अपनी पुत्रियों को पुत्र के समान ही पढ़ाना चाहिए, और इसके बाद महाद अंबेडकर के संगठनात्मक कार्यों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता को मिटाए बिना सामाजिक समानता लाना असंभव है, इसीलिए उन्होंने लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा का विस्तार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।